नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विवाद भी खड़े कर देता है और जिसमें लोगों को जानकारी ही नहीं है, और वो विषय है वक्फ का। वक्फ क्या होता है, वक्फ की शुरुआत कब हुई, उसका सोर्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस लिए वक्फ पे जो होता है वो किस लिए होता है, जनता के लिए होता है, इस बात का किसी को मालूम ही नहीं। और कई किस्म के वक्फ भी होते हैं, उसका भी जनता को मालूम नहीं, और शायद आपको मालूम नहीं, जनता को मालूम नहीं कि जो वक्फ की शुरुआत हुई वो दिल्ली सल्तनत से हुई, और उसके बाद मुग़लों ने उसको अपनाया, और जब अंग्रेज़ यहाँ राज करने लगे तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इसको रेगुलेट भी किया जाए। तो पहली बार उन्होंने 1810 में कोई रेगुलेशन की प्रयास किया। उसके बाद फिर एक बार प्रिवी काउंसिल ने कह दिया कि वक्फ लाले औलाद, अलल औलाद जो होता है फैमिली, वो फैमिली वक्फ होता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कि वो असंवैधानिक है, वो गलत है, उसको को मानना नहीं चाहिए। फिर वापस उसको लाया गया। उसके बाद कई कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र होता है, मतलब कि अगर कोई वक्फ, पहले आपको मैं बता दूं कि वक्फ होता क्या है। अब आप जानते हो कि बाहर के देशों में बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, मतलब कि वो अपनी प्रॉपर्टी दे भी देते हैं लोगों को कि एक मतलब कि सोसाइटी के लिए। तो ऐसे भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हुए, मुसलमान लोग हुए, जो जिनके पास संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इसको हम समाज के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो अल्लाह को गिफ्ट कर देते थे, अल्लाह को दान कर देते थे, मतलब कि अल्लाह को क्या दान करेंगे, अल्लाह को दे देते थे, और वो परमानेंट चीज़ होती थी, मतलब कि उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। अगर ज़मीन 10 एकड़ की, 15 एकड़ की, 25 एकड़ की ज़मीन दी गई वक्फ के लिए, तो वो फिर हमेशा उसी के लिए इस्तेमाल होगी, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी, लोगों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल होगी, कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होगी, एजड लोगों के लिए इस्तेमाल होगी, मतलब कि सामाजिक कार्य उसके द्वारा इस्तेमाल होता था वो वक्फ, और वो चला आता आ रहा है। और इस बीच में जब बड़ी बड़ी ज़मीन लोगों के पास आई, तो फिर उसके लिए ये भी सोचा गया कि भाई एक वक्फ बोर्ड बनना चाहिए, फिर एक नया एक्ट बना 1954 में, वक्फ एक्ट बना, फिर एक 1995 में वक्फ एक्ट बना, और उसके बाद फिर जब ये हमारी सरकार आई तो कोशिश किया गया कि भैया इसका पूरा इसका ढांचा बदल दिया जाए। और विवाद क्या है, विवाद ये हैं कि ढांचा बदलने में सरकार के कुछ अब दखलंदाजी हो गई है जो पहले कभी नहीं होती थी। नॉन मुस्लिम जिसमें शामिल हो गए, कुछ पावर्स दी गई डिप्टी कलेक्टर को कि वो इंटरफियर कर सकता है, तय कर सकता है कि वक्फ है या नहीं है, जो पहले पावर केवल वक्फ बोर्ड को होती थी। तो इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे तीन ऐसे लोगों से जो जानते हैं इसके बारे में। पहले हमारे कुरैशी साहब, आप सभी लोगों को मालूम है कि कुरैशी साहब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। 2006 से 12 तक तो आप इलेक्शन कमिश्नर थे, और फिर 2010 से 12 तक आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। हमारे सेंट स्टीवंस कॉलेज के भी हैं, और इन्होंने PhD जामिया मिलिया से की, और वो भी इशू विमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में उन्होंने लिखा। एंड ही वॉज रिगार्डेड एज one of the 100 most powerful people by Indian Express in 2011 and 12, and by India Today in 2012. He was in the IAS in 1971. आप IAS में आए, फिर आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बने, फिर आपने एड्स प्रोग्राम आपने उसको आगे बढ़ाया, एंड कई किताबें आपने लिखी हैं। और वाइल यू वर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सारा देश सुनता था कि आप बोलते थे, तो देश कहता था हमें इस पे पूरे इन पे पूरा विश्वास है। फैजान साहब, आपके बारे में क्या कहा जाए, मतलब कि आपने क्या क्या नहीं किया। हाँ, आप मतलब वाइस चांसलर रहे, आज के दिन तो आप वाइस चांसलर
चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी पटना के हैं, गोल्ड मेडलिस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के. अब सार्क में ही वॉज कन्फर्ड द अवार्ड ऑफ द बेस्ट टीचर इन द सार्क कंट्रीज. और ये नालसार के आप वाइस चांसलर रहे, नेशनल यूनिवर्सिटी उड़ीसा का आप फाउंडर मेंबर रहे, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहे, और क्या क्या बताऊँ, आपने कई किताबें लिखी, और यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंसोर्शियम ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज. एंड बट एक मैं बात भूल गया, कुरैशी साहब वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वक्स इन हिमाचल, इन हरियाणा, इन पंजाब, चंडीगढ़ एंड इन चंडीगढ़. हाँ, तो आपको तो सब मालूम है इसके बारे में, और आप तो लीगल एक्सपर्ट हो, तो आप तो बताएंगे हमें कि इसकी क्या बारीकियाँ हैं. और फिर हमारे साथ फारूकी साहब हैं. फारूकी साहब की हमारी जानकारी बड़ी पुरानी है, और ये एक मॉडर्न माइंडेड मुस्लिम है कि चाहते हैं कि जो मथुराजा में जो एजुकेशन हो वो मॉडर्न किस्म की हो, और बदलाव आना चाहिए. और इनका बड़ा डिस्टिंग्विश्ड करियर रहा है, लेकिन है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल आदमी है, तो हर चीज़ प्रोफेशनली करते हैं. हमारे साथ जब भी संबंध इनके लिए, हमेशा प्रोफेसर रहे. यू बीन द मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, स्पोक्सपर्सन ऑफ द बोर्ड. यू सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन, और पहले तो आप समाजवादी पार्टी में थे कुछ टाइम के लिए. और मदरसा मॉडर्नाइजेशन, विमेंस एम्पावरमेंट, कम्युनल हारमोनी, सेक्युलरिज्म, आप हमेशा उसके साथ रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. कुरैशी साहब, ये बताइए कि ये जो नया कानून लाने जा रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, मकसद तो वक्फ प्रॉपर्टीज को ग्रैब करना है, और जिसके लिए ये मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है. मैं तो हैरान हूँ, 99% लोगों को एक तो वक्फ पता ही नहीं कि वक्फ होता क्या है. जो आपने समझाया, तो वक्फ होता क्या है यही नहीं समझाया. उसके लिए मैं चाहूँगा कि फैजान साहब कहें, लेकिन मैं बताता हूँ कि वक्फ एक लफ्ज़ होता है अंग्रेज़ी में, फुल स्टॉप. उसके लिए अरबिक वर्ड है वक्फा. वक्फ मीन फुल स्टॉप. तो विच मीन्स किसी, मैंने किसी को प्रॉपर्टी दी जो नॉर्मली मैंने आपको दी, आपने इनको दी, उसको बेची, लेकिन एक दफ़ा अगर हमने किसी को चैरिटी को दे दी तो वो स्टॉपल उस पर हो गया. अब ये आगे नहीं चल सकती फॉर लाइफ, फॉर थाउजेंड ईयर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती. मैं जब वक्त अल्लाह को दे दी, अल्लाह को दे दी, और वो परमानेंट है, इनएलियनेबल है. मैं जब पंजाब वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर था, हमारे पास एक डीड निकल के आया कुरुक्षेत्र का जो 1000 साल पुराना, किसी ने अपने घर के घर वक्फ कर दिया. उसकी चैरिटी से, उसके इनकम से चैरिटेबल काम, बच्चों को स्कॉलरशिप, विडोज़ को पेंशन, मस्जिद चलाना, मदरसे चलाना, कब्रस्तान वगैरह की मेंटेनेंस, ये सब की जाती है. और एक लफ्ज़ है इस्लामिक, उसमें सदका है जारिया. सदका इज चैरिटी, जारिया इज कंटिन्यूइंग. अच्छा, तो दिस इज़ ए चैरिटी, वंस यू हैव गिवन इट इज कंटिन्यूइंग. क्योंकि 1000 साल पहले आपने दिया था, उसकी इनकम से 1000 साल तक लोग बेनिफिट कर रहे हैं. तो इसलिए ये तो एक इनएलिनेबल है. और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो बहुत ख़तरनाक है, और लोगों ने बाय कर लिया है. देखो, ये लोग जिस प्रॉपर्टी पे उंगली रख देंगे उनकी हो जाएगी. अरे भाई, बनाना रिपब्लिक नहीं है, कोई लूट थोड़ी मच रही है. अब मैं आपके प्रॉपर्टी पे आके कह दूँ कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है वफ़ की, क्या आप मान लेंगे? या आप मेरी प्रॉपर्टी, वी शुड हैव प्रॉपर्टी. वक्फ प्रॉपर्टी का क्या होता था कि बहुत साल से लोगों ने बहुत ग्रैब भी कर रखी है, सरकार ने ग्रैब कर रखी है. तो 1993 के में या जो भी बिल था, उस एक्ट ने ये अमेंडमेंट की थी कि एडवर्स पोजीशन जो 12 साल में हो जाता है, उससे एग्जेम्पशन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को. उसके के साथ ने इक्वेट कर दिया कि लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी भी अगर एडवर्स पोजीशन में 50 साल से भी है, तो वो ये नहीं कि अब आपकी हो गई. तो वो हम लॉ दिखा के, अगर मैं आपको 80 साल पुरानी जमाबंदी दिखाऊं कि ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, उस बेसिस पे मैं क्लेम करूं, और ये भी नहीं कि आते ही मैं कब्ज़ा कर लूँगा. एक नोटिस होगा, साल भर तक उसकी लीगल प्रोसीडिंग होंगी
जिससे ये साबित किया जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी कि हाँ ये तो वाकई वक्फ प्रॉपर्टी थी, इलीगल पोजेशन में थी। बोर्ड डिसाइड करेगा, ऐसे थोड़ी के किसी के प्रॉपर्टी पे। इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है कि जिस प्रॉपर्टी पे आके हाथ रख देंगे उनकी हो जाएगी, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, लोगों को इस पर विश्वास हो गया। तो ये मैं समझता हूँ। फैजान साहब ये बताइए कि कितने किस्म के वक्फ होते हैं और इसमें बारीकियाँ क्या क्या हैं? नहीं, मैं जो याकूब भाई ने कहा उसको ज़रा आगे बढ़ाते हुए कि वक्फ लफ्ज़ तो कुरान में नहीं है। अच्छा। लेकिन 20 वर्सेस हैं जो इनक्रेज करती हैं लोगों को चैरिटी करने के लिए। और इंग्लिश में कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जो फैमिली वक्फ का लॉजिक है वो ये है। तो शुरू में जो इस्लामिक स्टेट थी वो छोटी भी थी, उसके पास वेलफेयर करने के लिए पैसे ही साधन नहीं था, ये मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि पब्लिक आगे आए और ये वेलफेयर करे। अब पब्लिक अगर एक्स को प्रॉपर्टी देगी तो वो तो एक्स की हो जाएगी, वो परमानेंट तो नहीं रहेगी, वो बेच देगा उसे। इसलिए जो गॉड को दिया जा रहा है ये सोच के कि गॉड कोई परमानेंट एंटिटी है बिलीफ के हिसाब से, इसलिए वो प्रॉपर्टी जो है वो परमानेंटली गॉड की गिफ्ट हो गई। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि ये सिर्फ मस्जिद या मदरसे के लिए हो सकता है। जो पब्लिक वक्फ है उसका लार्जली पर्पस पब्लिक होगा, जैसे मैं कहूँ कि स्कूल बनाना है, सड़क बनानी है, या इसका कोई हमको धर्मशाला बनानी है, कोई रिलीजियस पर्पस नहीं है इसका। तो रिलीजियस पर्पस हो सकता है, पायस हो सकता है, चैरिटेबल, और ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों हों एक में, सिर्फ चैरिटेबल हो सकता है। एक इब्ने बतूता ट्रेवलर है, मोरिश इंडिया भी आया था, उसने अपनी बुक रेहला में लिखा कि सीरिया में 13th century में एक ने वक्फ किया कि ये जो ढाबों और होटल्स पर बच्चे काम करते हैं, चाइल्ड लेबरर, अब भी कर रहे हैं जबकि लॉ है, तब तो लॉ नहीं था, उनसे वो चाइनीज कीमती थी उस ज़माने में, प्लेटें वगैरह टूट जाती हैं और उनको फिर वो होटल वाले जो हैं ढाबे वाले मारते हैं। तो उसने वक्फ ये किया कि इस पैसे से उनको रिप्लेस कर दो, बच्चों को मत मारो। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि उसका कोई ये जरूरी नहीं कि रिलीजियस मोटिव हो। इसीलिए ये बात हो रही है कि इस बिल की ये प्रॉब्लम है कि जो मुसलमानों के लिए करे वो तो अलग है, ये हिंदुओं के लिए भी कर रहा है। हिंदू भी वक्फ कर सकता है किसी सराय के लिए, सड़क के लिए, स्कूल के लिए। आप उसका राइट कैसे ले सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी है। तो पहला टाइप तो हो गया पब्लिक का, जिसमें कोई प्राइवेट पर्पज नहीं है। मैं आपसे थोड़ा सा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे संविधान में सरकार तो पैसा दे नहीं सकती फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, ठीक है, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, तो कम्युनिटी देगी। तो एक साधन बना हुआ है कम्युनिटी का कि आप वक्फ के द्वारा चैरिटेबल पर्पस के लिए दे सकती हो, क्योंकि सरकार को आपको दे नहीं सकती, वो तो संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल। तो ये असली जो इसका मकसद है वो ये है, यही मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल है, आपकी बात सही है। इसलिए क्योंकि सस्टेन कौन करेगा मस्जिद को या मंदिर को, तो उसके लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हों और उनको पब्लिक सपोर्ट करे। सर दूसरा टाइप ये कि प्योरली प्राइवेट हो सकता है, कोई ये कहे कि साहब मेरे बाद मेरी फैमिली, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरे नवासी, वो प्राइवेट। और कुछ ये हो सकता है कि उसमें पार्टली वो चैरिटेबल हो, पार्टली रिलीजियस हो, ये भी हो सकता है। ज्यादातर वक्फ अलल औलाद में ये होता है कि जब मेरी लाइन ऑफ सक्सेशन खत्म हो जाए तो फिर तो ये पब्लिक हो जाएगा, फिर पब्लिक हो जाएगा। अब सर इसमें रेगुलेशन का जो आपने कहा वो वक्फ से नहीं शुरू हुआ, बेसिकली वो हुआ 19th century में कि जो कुछ ब्राह्मण्स थे एडुकेटेड तमिल, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये लिखा कि जो तमिल टेम्पल्स में ऑफरिंग्स हो रही हैं उसमें बहुत करप्शन हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेट करे। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि हम किसी मैटर में रेगुलेट अंदर नहीं जाएंगे रिलीजन के आफ्टर 1857, क्योंकि पूरा रिवोल्ट इस बात पे हो गया कि साहब काउस में वो था चिखनाई थी कारतूस में, तो उन्होंने विक्टोरिया का जो चार्टर है उसके बाद से उनका हम बोलेंगे नहीं आपके मजहब में। अब इन्होंने कहा खुद ही कि भाई आप आके हमारे मैटर्स को कीजिए, तो पहला लॉ बना वहां पे। फिर उसी के पैटर्न पे बना वक्फ का, उसी पे पैटर्न पे बना शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसे रेस करें रिलीजियस वर्क के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार उसमें नहीं दे सकती है, लेकिन किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो मिसमैनेज करे। तो सरकार का इंटरफेरेंस ये है लॉ बना, राइट टू मिसमैनेज। तो सरकार जो वक्फ बोर्ड बना रही है वो ये इंश्योर करने के लिए बना रही है कि वक्फ बोर्ड में करप्शन ना हो। जैसे
जो हिंदू टेंपल्स के लॉस थे उनको जब चैलेंज, संविधान में जब बना, संविधान बना 1950 के बाद, तो जो मेजर जो लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में हुई वो टेंपल्स की हुई लिटिगेशन मैनेजमेंट ऑफ टेंपल फंड्स, उसमें यही हुआ कि कोर्ट ने, इन्होंने ये कहा कि साहब आप हमारी कोई भी प्रॉपर्टी ले नहीं सकते आर्टिकल 31 के हिसाब से, क्योंकि आप टेम्पररली ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो वेस्टेड डीटी में रहती है, बोर्ड उसका ओनर नहीं बनता, जैसे वक्फ बोर्ड ओनर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल एक बकवास चीज है। दूसरे कोर्ट ने ये कहा कि जब आप ऑफरिंग कर रहे हैं डीटी को, ये रिलीजियस एक्ट है, लेकिन एक बार जब पैसा दे दिया वो पैसा खर्च कैसे हुआ, ये सेकुलर है, इसलिए हम उसे देखेंगे कि आप उसमें करप्शन ना कर रहे हो। बिल्कुल सही, ये बात भी सही है, होना भी ऐसा चाहिए और कोई रोकना भी नहीं चाहिए इस बात को, क्योंकि कई वक्त मिसमैनेज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कब्जा भी गलत होता है, ये भी हमें मालूम है, उसको तो रोक होनी चाहिए। बट सर जो चीज यहाँ पब्लिक में नहीं आई कि वक्फ बोर्ड के ऑलमोस्ट सारे मेंबर सरकार नॉमिनेट करती है, ये तो अब so basically वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो तो अब की बात है। नहीं, ये अब की बात है, लेकिन ये कि द होल आइडिया इज कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो पहली चीज तो उसके कहने से नहीं होगा, सर्वे होगा, सर्वे कमिश्नर जो होगा वो सरकार का पब्लिक सर्वेंट है, उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन वक्फ बोर्ड को जाएगी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑल नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट 1 or 2 मुतवल्ली जो इलेक्ट होके आ जाएंगे, फिर वो सरकार को रिकमेंड करेंगे, सरकार के ऑफिशियल गजट में पब्लिश होके ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ बन सकती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई मस्जिद के इमाम साहब खड़े हुए उन्होंने कहा फला प्रॉपर्टी वक्फ बन गई। प्रॉब्लम ये है, मैं फिर मैं फारूकी साहब के पास आऊँगा, प्रॉब्लम ये है कि अब इस संशोधन जो हो रहा है उसमें पावर दी जा रही है डिप्टी कलेक्टर को, वो तय करेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से होगा क्या कि ऐसे ऐसे, क्योंकि ये तो रजिस्टर तो होती नहीं, आपको मालूम है रजिस्ट्रेशन तो बाद में आया थ्रू अ रेगुलेशन 1906 में आया ना, ठीक है ना, तो कोई वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर तो होती नहीं, तो कागज तो कोई होते नहीं, तो अगर कई सालों से जैसे आपने कहा 50 साल 100 सालों से वो प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही है, और कल कोई कहे के ना यहाँ तो साहब ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो तय तो डिप्टी कलेक्टर करेगा ना, हाँ, जो कभी पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि सारे मेंबर केवल मुस्लिम कम्युनिटी के होते थे, अब इन्होंने कह दिया कि नहीं सर, उसमें जो सर्वे कमिश्नर थे वो तो सब सरकार के नॉमिनी, सर्वे कमिश्नर की बात कर रहे, जो फैसला बोर्ड कर रहा नहीं, बोर्ड में सारे मुसलमान, बोर्ड में मुस्लिम्स थे, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट बात अभी नहीं समझ रही कि सर्वे कमिश्नर्स उनके नॉमिनेटेड थे, उनको एविडेंस लेने की पावर थी, उनको देखेंगे रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, टैक्स क्या पेमेंट हुआ, ये हुआ, डीएम भी उन्हीं का नॉमिनेटेड आदमी है, उन्हीं का है। हमारा ये कहना है कि डीएम सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आपने करवाया था, मोइली साहब उसके चेयरमैन थे, उन्होंने कहा डीएम इज ओवरबर्डन, उसको कोई और काम मत दो, उसके काम कुछ और किसी को दो। तो वक्फ जैसे मामले में कोई स्पेशलाइज गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका नाम है सर्वे कमिश्नर, कि वो एक ही काम कर रहा है तो वो बेहतर करेगा। डीएम को आप दे देंगे तो डीएम तो बिल्कुल सरकार से रिलेटेड है, ओवरबर्डन है, वो कर नहीं पाएगा, वो पास ऑन कर देगा डेलीगेट तो डिप्टी कलेक्टर को। आप डीएम को देते क्यों? नहीं, इसलिए नहीं दे सकते सर, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस हैं, तो नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। हम कह रहे हैं ये गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है और डीएम ही डिसाइड कर रहे हैं। Why should it be determined by an individual? It cannot be. It should not be. It should not be. और कोई judicial body करे या quasi judicial body करे, तो हम कह रहे हैं tribunal करे। हाँ, tribunal करे। तो tribunal तो होता था ना आपको under the old buff act, the board used to decide and it used to there was sir tribunal था और tribunal के भी सारे member government nominated, यानी उनका joint secretary अब इन्होंने कर दिया, पहले deputy secretary था, और उनका expert nominated, सब उनके लोग हैं, उनको उस सिविल जज था, अब इन्होंने कह दिया कि साहब सेशन जज होगा, हम तो कह रहे हैं वेलकम कर रहे हैं, चलिए सेशन जज जरा हायर आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम आपकी है कि आप कई चीजों में वेलकम भी करते हैं। अब मैं टीचर हूं ना सर, तो मुझे बच्चों को सही सही बता देना है कि देखो इसमें ये पॉजिटिव चीज है, ये निगेटिव चीज है। अब ये बताइए फारूकी साहब, आपके विचार हम समझते हैं कि ये मामला पॉलिटिकल नहीं है।
सर पॉलिटिकल बना दिया गया है इसको, अदरवाइज ये पॉलिटिकल नहीं है, तो बिल्कुल एक सोशल इशू है। नहीं, ये संशोधन लाना पॉलिटिकल नहीं है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल है। ये बेसिकली एक जैसे एक पूरा वातावरण बनाया गया है, और इसमें ये प्रेजेंट हुकूमत ही नहीं बल्कि इसमें माफ़ कीजिएगा बहुत दिनों से वफ के साथ में ज्यादती होती आ रही है, और मौका मिल गया अभी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि वो उसको बिल्कुल बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। लेकिन जो आप दोनों ने जो बात कही है वो बहुत अहम बात है। इसकी टेक्निकलिटीज ये हैं कि भाई ये बिल्कुल प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जिस तरह से चीज़ें होती हैं बिल्कुल उसी तरह का मामला है। प्रॉपर्टी हमने अपनी मर्जी से गिफ्ट कर दी, दे दी एक पर्टिकुलर काम के लिए, और उस काम के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं और वो सारी की सारी गवर्न होती है। सर आई हैव बीन द ऑडिटर ऑफ इवन द वक्फ बोर्ड्स, ऑल द वक्फ बोर्ड्स, पंजाब वक्फ बोर्ड हो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, सब जगह ऐसा नहीं है कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की रिपोर्ट जो है वो एक बिल्कुल उसी तरह से सी ए जी में जाती हैं जैसे और बाकी हम कंपनी की ऑडिट करते हैं तो उसमें भी जाती हैं। तो गवर्नमेंट के पास सारे तरीके हैं उसका, अगर कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कोई करप्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर्पज उसका करप्शन ख़त्म करना नहीं है, यहाँ पर्पज उसका मिसमैनेजमेंट करना नहीं है। इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर पर्पज ये है कि किस तरह से मुसलमानों के वो सारे इंस्टीट्यूशन जो मुसलमानों के लिए कुछ बेहतरी का काम करते हों उनको किस तरह से ख़त्म किया जाए। That is their mindset is कि इसको खत्म करो। अब जैसे इस समय में कितने विवाद दुनिया में खड़े हैं, हिंदुस्तान के सामने कितनी चुनौतियां हैं, इसकी क्या जरूरत है कि ऐसे लॉ में आप आज इसकी चर्चा करनी शुरू कर दो। और वही जो एजेंडा है सरकार का, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि भैया किसी तरीके से ऐसा पोर्ट्रे किया जाए हिंदुस्तान में कि भाई ये सब जो काम हो रहा है कोई कम्युनिटी कर रही है सब गलत है, तो इसी से तो हम वी शुड टेक केयर ऑफ इट बिकॉज वी आर द वंस हु आर द बेटर फैमिलियाज, हम इनके लिए अच्छाई कर सकते हैं, ये अपने लिए अच्छाई नहीं कर सकते। सर इसमें भी एक बात है सर, इसमें जो आपने बात कही ना इसमें एक अच्छा एक बात निकल के आ रही है। पर्पज ये है कि किसी भी हमारी जितनी भी हिंदुस्तान की जो फिल्म बनती हैं जैसे बनती हैं उसमें बहुत अच्छा काम करने वाले के साथ साथ एक विलन की जरूरत होती है, और जब तक कोई अच्छा विलन नहीं होगा वो चाहे प्राण की शक्ल में हो किसी और की शक्ल में हो कामयाब नहीं होती थी। तो अब यहाँ विलन तलाश करने की जरूरत है कि भाई कौन विलन हो सकता है, कौन विलन हो सकता है। तो बेचारा मुसलमान सबसे बिल्कुल अवेलेबल कमोडिटी है, जिसको आराम से विलन बनाकर पेश करोगे तो लोग बाग तस्लीम कर लेंगे। अब आप एक बात ये बताइए, कोई एक मिसाल है? अच्छा, जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है, क्या मंदिरों में तक करप्शन नहीं होता, चाहे और बाकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करप्शन होता? सरकार किस लिए है, हमारे पास डिपार्टमेंट किस लिए है? जो करप्शन कर रहा है उसके ऊपर करो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो। व्हाई आर यू टेकिंग ओनली द मस्जिद और द वक्फ प्रॉपर्टीज, यू हैव गॉट ऑल द राइट। जैसे फैजान भाई ने कहा, हम नहीं अपॉइंट करते वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वगैरह, हम नहीं अपॉइंटमेंट करते, आप भेजते हैं, नॉमिनेटेड आदमी होता है, और वो आम तौर के ऊपर वो आईएएस ऑफिसर होता है। इन 99% केसेस के अंदर वो आईएएस ऑफिसर होता है। अगर वो कोई करप्शन करवा रहा है, हैंग हिम, हम में से कौन कर रहा है कि नहीं करो उसको। अगर वो करप्शन कर रहा है सबसे ज्यादा उसको आप कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि इनका मकसद ये नहीं है कि करप्शन को खत्म कर दें। मैं पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करूंगा कि ये इनका मकसद सिर्फ ये है किस तरह से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को जलील करके अपना वोट बैंक ठीक करो और मजे के भागो मत करो। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा एक चीज कि ये तो एक आधा एम है, दूसरा इन प्रॉपर्टीज को ग्रैब करना भी मकसद है। अब दिल्ली में 130 प्रॉपर्टी में बनी है ना, अब उसमें जो है ना वक्फ बाय यूसेज वो खत्म कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, देखिए इतने इनोसेंटली इसको पुट किया कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो हम आपके वक्फ को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो तो गया, और जामा मस्जिद के पास तो डॉक्यूमेंट नहीं निकलेगी, जबकि सबको मालूम है 400 साल से वो मस्जिद है, नमाज होती है, तो ये कब्रस्तान है वह पुराना, लेकिन डॉक्यूमेंट से नहीं निकलेगी। ऑलमोस्ट 52% ये कोई एस्टिमेट में पड़ रहा था कि उसकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये प्रॉपर्टीज को ग्रैब करने का भी हुआ है। ये इन्होंने एक बात कही कि इनका मकसद आप राजनीतिक है आपके हिसाब से? नहीं, बेसिकली तो एग्जैक्टली कि मुस्लिम को हर तरीके से हरास करो, उसका जीना हराम कर दो, उसका गला घोट दो, ये कोशिश जो ओवरऑल है उसका एक ये हिस्सा है। और वक्फ एक थोड़ी सी इनकम थी जिसके, क्योंकि स्कॉलरशिप बंद कर दिए, बहुत सारे फैसिलिटीज बंद कर दिए, वक्फ से ही वो चल सकते थे,
वो भी आप बंद कर लीजिए, ग्रैब कर लीजिए। और लोगों के माइंड में जो डाल दिया, 99% लोगों से मैंने ये सुना कि ये तो वाकई वक्फ तो सबको ग्रैब कर लेती है, एक इंच नहीं ग्रैब कर सकती। सवाल दूसरी चीज़ ये कहते हैं और जो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि थर्ड लार्जेस्ट रियल इस्टेट ओनर है वक्फ, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। उससे लोग वाकई वो होते हैं कि अच्छा इतनी रिच ऑर्गेनाइजेशन है। एक फिगर जो फ्लोट कर रही है कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के टेम्पल्स के पास जितनी ज़मीन है 9 लाख से ज़्यादा एकड़ है, सिर्फ 2 स्टेट के टेम्पल्स के पास। यहाँ पूरे हिंदुस्तान के वफ के पास 6 लाख एकड़ है। तो इसलिए ये है कि जी वो तो बहुत प्रॉपर्टी वाले हैं, बहुत रिच हैं, और इनकी उस प्रॉपर्टी पे हम इनकी निगाह भी है कि उसको कैसे ग्रैब किया जाए। और ओनर है नहीं, ओनर तो उसका गॉड है, वक्फ बोर्ड तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, कोई ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकती। दूसरे 32 वक्फ बोर्ड हैं, तो हर वक्फ बोर्ड की अलग अलग है। रियल जो है पूरा इस बिल की प्रॉब्लम है कि जो वक्फ को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो मुतवल्ली एडमिनिस्टर कर रहा है। वक्फ बोर्ड तो एक सुपरवाइजरी बॉडी है, तो आपने मुतवल्ली के लेवल पे तो कोई इम्प्रूवमेंट करने की रियल कोशिश नहीं की। मेरा सर जो बिल के ऊपर एतराज़ है वो ज़रा दोनों लोगों से हटके है। मेरा एज ए लॉ टीचर जो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है वन नेशन वन लॉ, और हम कहते हैं हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनानी है, करेक्ट, तो फिर वक्फ बिल क्यों है? फिर तो हम एक सिंगल लॉ लाएं जो हिंदू टेंपल्स एंड एंडाउमेंट्स, मुस्लिम टेंपल्स एंडाउमेंट, सिक्स क्रिश्चियन, सब के ऊपर लागू हो यूनिफॉर्म लॉ। इसके उसका क्वेश्चन कौन करेगा? हाँ, ये आपने कह दिया था कि भाई लागू सबके ऊपर हो, पर लागू तो तभी होगा ना जब क्वेश्चन करेगा कौन, किसकी हिम्मत है कि किसी और पे क्वेश्चन कर रहे। नहीं, मगर फिर हम अपने आर्गुमेंट को डिफीट कर रहे हैं कि इसका मतलब हम वन नेशन वन लॉ में यकीन नहीं रखते। अगर वन नेशन वन लॉ में यकीन नहीं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे बनेगी? आप इसी से शुरू कर दें, जो कुछ हिंदू टेंपल और चैरिटेबल और एंडाउमेंट एक्ट में है वही वक्फ में कर दीजिए। क्या हम एग्री करते हैं? आपने हमसे डिसएग्री क्यों कहा? हम तो एग्री करते हैं इस बात पर्पस पे। आप मुझे बताइए, इन्होंने वक्फ बाय यूजर तो खत्म कर दिया। खत्म नहीं हो सकता सर, बड़ा मुश्किल है। इन्होंने किया है, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं सर, ऐसा है कि लॉ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ओनरशिप वो है ही नहीं। ओनरशिप में मेरा री प्रॉपर्टी है, मैं उसे डिस्ट्रॉय करूं, एलिनेट करूं, गिफ्ट करूं, किसी को सेल कर दूं, मेरा राइट है। अब मेरी प्रॉपर्टी एक ये है, इसके सामने मेरा लैंड है, और उधर से आप रोज आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, मैं जानता हूं, मैं ऑब्जेक्ट नहीं करता हूं। वक्फ बाय यूजर क्या है कि एक तो प्रॉपर्टी मेरी थी, उसके सामने आपकी प्रॉपर्टी थी, मैंने कभी वहां चप्पल रख दिए, कभी वहां पर मैंने वजू कर लिया, कभी नमाज पढ़ ली, आप आते हैं जाते हैं देखते हैं, और इसको सालों गुजर गए। इसका मतलब ओनर ने उस चीज को इम्प्लाइडली अलाउ कर दिया। करेक्ट। अगर ओनर ऑब्जेक्ट करेगा तो कभी भी वक्फ बाय यूजर जो है वो साबित ही नहीं होगा। तो इसमें भी ओनर की कंसेंट शामिल होती है, क्योंकि हॉस्टाइल पोजेशन होना चाहिए, उसकी नॉलेज में हो और वो ऑब्जेक्ट ना करे। और आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद के केस में वक्फ बाय यूजर भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि वक्तन फवक्तन हिंदू लोग जो थे वो वहां पर आके प्रेयर करते थे, और इसको कोर्ट ने यह माना कि वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे। तो एक वो मस्जिद जिसमें 400 साल नमाज भी हुई, वो भी वक्फ बाय यूजर साबित तो नहीं हो पाई, अनलेस वो बिल्कुल पक्का मामला हो कि ओनर को कोई एतराज ना हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब वो वक्फ बाय यूजर होता है। ये प्रिंसिपल हम अपने लीगल सिस्टम से निकाल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है ये निकालना। अच्छा, दो चीजें आपसे पूछता हूं। पहली तो, और मुझे भी मालूम है इस बात का कि ये जो पावर टू ट्रांसफर, पावर टू सेल, वो भी बोर्ड को दी गई कि आपका पास वक्फ है, आप वहाँ बैठे हैं, आप इसको बेच भी सकते हैं, सकते हैं ना? नहीं सकते। ये है, और उस पर टेनेंसी भी हो सकती है। टेनेंसी हो सकती है, लेकिन एलिनेट नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, इसमें सर ये चल रहा है, बहुत जगह ये था, मैं बता रहा हूं, वक्फ के प्रॉपर्टीज जो थी अनप्रोडक्टिव थी, तो वक्फ की प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि उनकी इनकम बढ़ जाए, एक चैरिटी की सिचुएशन में आप कर सकते हैं। ये कई कंट्रीज में सर ये बात चली। दरअसल वक्फ के अगेंस्ट प्रिंसिपल लीगल आर्गुमेंट क्या है कि प्रॉपर्टी जो है इट्स नॉट एक्सचेंजिंग हैंड्स, जो उसमें परमानेंसी का लेवल है,
इसलिए कई मुस्लिम कंट्रीज ने कहा साहब 60 साल तक रहेगी अगर आपने प्रॉपर्टी ऐसे की, कई ने कहा 2 जनरेशन तक रहेगी, कई ने वक्फ अलल औलाद जो था वो कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि उसमें परमानेंसी कुछ सिचुएशंस में ना हो, आप प्रॉपर्टी को कमर्शियलाइज पर्पस से यूज करना चाहते हैं, जो जिसने वक्फ क्रिएट किया उसने नहीं लिखा है, यही प्रॉब्लम, तो फिर वक्फ बोर्ड को वो डिस्क्रिशन दिया गया। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ की, उसका मिसयूज होता है कभी कभी, क्योंकि लोगों को दी जाती है तो आप यहाँ आकर ये कर लो वो कर लो, या टेनेंसी में दी जाती है और उसमें भी धांधलेबाजी होती है, मगर ये एक्सेप्शन है सर। नहीं मैं बता रहा हूँ, जनरली तो जो जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने जो लिख दिया वो माना जाए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे आरोप लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, और नहीं ये जो ज्यादातर बेचा है ये इलीगल है, जो वक्फ बोर्ड के लोगों ने बेचा है वो हैंड इन ग्लव्स हैं विद द मुतवल्ली, वो बिल्कुल करप्शन है। हाँ बिल्कुल, वो एग्जैक्टली उसका उसका सलूशन ये नहीं कि सारी पावर आप ले लो। करेक्ट, उसका सलूशन जैसे आपने कहा साहब, आप जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कि आपके पास कोई चीज का पावर दे दिया जाए, आपको कोई पूछने गछने वाला ना हो, आप खुद दूर कर लोगे उसको। लेकिन इसका ये मकसद नहीं हो सकता कि जो स्टेट है वो खुद उसको खुद बर्द करना शुरू कर दे, उस पर्पज के लिए ना इस्तेमाल करने दे जिस पर्पज के लिए वाकिफ ने किया है। एक वाकिफ ने तो कहा कि भाई आते जाते लोगों को यहां से जब सड़क से गुजरे उनको पानी पिलाने का इंतजाम कर दें। बिल्कुल सही, उसने कहा कुआं बना दीजिए और उस कुएं के अंदर मसे के आदमी भी बैठेगा, जो भी होगा बगैर मजहब के फर्क के पानी पीता जाएगा, लेकिन वो वक्फ है, रहेगा वो वक्फ ही। इस पे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ये मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में मिसमैनेजमेंट बहुत होता है, मैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटर इसीलिए लगाया गया था कि बोर्ड मिसमैनेज कर रहा था तो सरकार ने उसको एबॉलिश करके मुझे एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। लेकिन इस बहस में हम मिसमैनेजमेंट को इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि ये उसको एक्सक्यूज बना के अपनी एंट्री करना चाहते हैं। इसी पे मैं इशारा कर रहा कि ये उसको एंट्री नहीं, रेमेडी है, इट इज वर्स देन द डिजीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसी पे मैंने इशारा कर रहा था। दूसरी बात मैं आपसे पूछ, इट्स किलिंग द पेशेंट। एग्जैक्टली, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अंडर द एक्ट नाउ द पावर टू डिटरमिन ये प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं पहले बोर्ड को होती थी, ठीक है ना, अब वो उन्होंने प्रोविजन रिमूव कर दिया, डीएम को दे दिया, और डीएम अपने डिप्टी डीएम को दे सकता है जो कि जूनियर ऑफिसर होगा। एग्जैक्टली, तो सरकार डीएम को कहेगी कि ये फैसला तुम करो, जैसे आजकल हो रहा है। नहीं, उसमें प्रिजम्पशन भी क्रिएट कर दी कि अगर वो ये कहें कि साहब ये गवर्नमेंट का क्लेम है तो ये माना जाएगा कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ जहाँ ओनर कब्जा हो जाएगा सारी वक्फ प्रॉपर्टी, नहीं सारा गवर्नमेंट ले लेगी, इसलिए क्योंकि जो सर सिविल मैटर्स हैं यहाँ गवर्नमेंट इज कमिंग एज अ लिटिगेट, दैट्स राइट, उसका राइट और मेरा राइट प्रूफ करने का बराबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट को आप प्रिजम्पशन से दे देंगे, वो तो कहेंगे साहब ऐसे कैसे प्रूफ कर सकते हो कि ये वक्फ है। मैं एक चीज वजाहत करना चाहूंगा कपिल, कि ऐसा नहीं है कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकती है, वक्फ क्लेम कर सकती है कि ये वक्फ थी ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट, और जाना उसने एक थर्ड पार्टी के पास, सर्वेयर के पास जाना है जो नोटिफाई करेगा और एक साल तक उस पर लिटिगेशन होगी कि वक्फ बोर्ड ही डिटरमिन कर दे कि मैंने वक्फ बोर्ड इस तरह पता लगा कि जी 80 साल से ये प्रॉपर्टी इनके पास थी, इनके कब्जे में एड्रेस में, तो लेकिन मुझे एक डॉक्यूमेंट पुरानी, बल्कि हमारे लोग, हम लोगों ने सर्वे कराया कि भाई पुरानी जमाबंदियाँ सारी देखो कितनी वक्फ है, तो उसमें बहुत प्रॉपर्टी निकल के आई कि वक्फ की थी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पटवारी को पैसा दे दिला के उसकी ओनरशिप बदल गई। लेकिन सरकार ने, उस जमाने की सरकारों ने इसमें ये फैसिलिटी दी थी कि अगर आप दिखा दो कि पुराने डॉक्यूमेंट थे कि आपकी है, तो एडवर्स पोजीशन नहीं उसमें लिया जाएगा, और 60 साल पर 80 साल पुराना भी कब्जा है आपको ये वापस मिलेगी। लेकिन ये नहीं कि मैंने खुद डिक्लेयर कर दिया, वक्फ बोर्ड तो जाता था अपील में ये कि जी ये प्रॉपर्टी मेरी है, देखो इन्होंने ग्रैब कर रखी है, मुझे वापस दिलवाई। सही बात है, कई बार ऐसा हुआ। और जो हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट के लॉज हैं उन पे भी एडवर्स पोजीशन का लॉ लागू नहीं। आइडिया ये है कि जो पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं चीज़ें, जो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई, वक्फ ओरिजिनली तो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जब मैंने उसे वक्फ किया, वक्फ होने के बाद अब वो पब्लिक के इस्तेमाल में होगी, इसलिए उस पर एडवर्स पोजेशन का लॉ ना लगाया जाए। करेक्ट करेक्ट। और वेरी स्ट्रेंजली जो हमारे धर्मशास्त्र हैं हिंदुओं के, उसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि सरकार की प्रॉपर्टी, मंदिर की प्रॉपर्टी और औरतों की प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन ना लगाया जाए। अब क्या हम पूरा एडवर्स पोजीशन का लॉ बदलने जा रहे हैं?
तो क्या हम उन स्टेट्स में भी बदलेंगे? तो कितना, अगर वहां भी बदलेंगे तमिलनाडु में और कर्नाटका, तो तमाम तो हिंदू टेम्पल्स की भी प्रॉपर्टी का लॉस होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि फैजान ने ये वजाहत कर दी, वरना ये इल्जाम लगता कि जो एडवर्स पोजीशन वाला एग्जम्पशन दे दी गई थी कि लाइक पब्लिक प्रीमिसेज, इस पर भी लागू नहीं होगा, तो अपीजमेंट का चार्ज लग जाता कि देखो मुसलमानों को अपील। इन्होंने बताया कि तो सारी एंडोमेंट पे अप्लाई पे है। अब देखो एक और काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है ये बनाने जा रहे हैं, उसमें तो यूनियन मिनिस्टर विल बी इन चार्ज, ठीक है ना, एंड इज द एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा वो, और वहाँ सारे काउंसिल मेंबर सारे मुस्लिम नहीं होंगे, उसमें केवल दो महिलाएं होंगी और दो मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे। ये तो पहले कभी नहीं हुआ सर, दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सर इसमें मेरी जो टेक है वो आम लोगों से जरा डिफरेंट है। नंबर एक तो ये कि आज भी जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसका हेड यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज अफेयर्स है, और आज भी उसमें ये नहीं लिखा कि उसके सब मेंबर मुसलमान होंगे। तो ये बट रियलिटी तो यही है। वो तो आपने आप बना सकते थे 10 साल में, आप नॉन मुस्लिम कोई उसमें, जैसे एमपी को नॉमिनेट करना है या जज को नॉमिनेट करना है तो आप जिसको चाहे ले लें, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में था कि सिर्फ मुस्लिम्स होंगे। ये कहां से आया सर? ये आया 26 से, क्योंकि राइट है ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एनी सेक्शन देयर ऑफ। तो प्रॉब्लम ये है कि आप नॉन मुस्लिम को कर दें, मैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टीचर उसे वेलकम कर रहा हूं कि भाई हर इंस्टीट्यूशन में डाइवर्सिटी आनी चाहिए। अगर कोई नॉन मुस्लिम बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, वो वक्फ प्रॉपर्टी के लिए अच्छी राय दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 26 का क्या करेंगे? एक बार नॉन हिंदू बाकी जगह तो नहीं नॉमिनेट हो? नहीं है, नहीं उसमें तो, और अभी यही बात पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं सर उसमें अगर वहां नहीं होते तो यहाँ क्यों? ये वही फिर मैंने ना कहा ना कि वन नेशन वन लॉ के प्रिंसिपल पे हम पीछे जा रहे हैं। वहां अजीब बात है, तमिलनाडु में जो हिंदू की डेफिनेशन आर्टिकल 25 में है कि उसमें बुद्धिस्ट जैन और सिख शामिल है, लेकिन वहां जो टेंपल बोर्ड है उसमें जैन सिख और बुद्धिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनली विद इन हिंदू आ रहे हैं वो भी नहीं आ सकते। करेक्ट बात है, तभी तो मैं ये पूछ रहा हूं। तो ये दो लॉ आप कैसे करेंगे? फिर ये आर्बिट्रेरी हो जाएगा, फिर इट इज हिट बाय 14। 25 का भी उल्लंघन होगा, आखिर 26 का भी उल्लंघन, और 14 का भी, और 14 का भी होगा, और 16(5) का भी होगा। तो फिर कैसे होगा, तो कैसे काम चलेगा? ये तो मतलब कि एक लिटिगेशन का माहौल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और एक्चुअली ये और यही है चाहते हैं, मैं आपको सच बात बताऊं, बेसिकली यही चाहते हैं। देखिए और वुमेन में सर कमाल कर दिया, हम कह रहे हैं कि हम वुमेन को दे रहे हैं पहली बार, वो ऑलरेडी लॉ में है, ऑलरेडी लॉ में दिया हुआ है एटलीस्ट 2 वुमेन, इन्होंने कर दिया नॉट मोर देन 2 वुमेन, यानी कम कर दिए, अब 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। पहले लॉ में 2 से ज्यादा हो सकती थी। करेक्ट, पर्पस ये है बेसिकली कि अगर इनकी इंटेंशन ये होती कि हम वक्फ को सुधारने की बात कर रहे हैं तो शायद हम तीनों चारों मिलने के बाद ना कहते वेलकम करते, लेकिन इनकी इंटेंशन ये नहीं है। इनकी इंटेंशन दो है, इनकी इंटेंशन ये है कि किस तरह से माइनॉरिटीज को, चाहे वो कोई सी भी माइनॉरिटीज हो, और ख़ास तरीके से मुसलमान, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात करता हूँ, सिख बेचारे बच गए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी अटैक पर हैं, उनको कोशिश करिए, इनको किसी तरह से इतना ह्यूमिलिएट कर दो कि हमारा बाकी जो मेजॉरिटी वाला वोट है वो हमारे साथ हो जाए। ये पॉलिटिक्स तो है, राजनीतिक दृष्टिकोण सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं है। ये पूरे मुल्क को पोलराइजेशन करने का एक प्लान है, षड्यंत्र है, जो मुल्क बर्बाद हो जाएगा अगर ये सब कुछ होता रहा। इतनी जल्दी तो बर्बाद हम नहीं होने देंगे, आप और हम जिंदा रहेंगे तब ना, हम और आपको सबको बंद कर देंगे। पोलराइजेशन एज अ विनिंग इलेक्टोरल स्ट्रेटजी प्रूवन है, इट इज प्रूवन ऑलरेडी। दिस इज वेरी सैड फॉर द कंट्री, इट्स अ वेरी सैड थिंग कि ये अब ऐसी ऐसी बातें जो समाज से जो समाज के सामने जो चुनौतियां हैं इतनी गंभीर हैं, बेशक, और सारे देश को इस चर्चा में, इस डायलॉग में आकर भ्रमित करना ताकि आपको राजनीतिक फायदा हो जाए, ये तो बड़ी मतलब के सर, मैं तो एज लॉ टीचर बिग टिकट लॉ रिफॉर्म के फेवर में हूँ कि होने चाहिए, हम सब, लेकिन रिफॉर्म कंसेंसस से हो और अक्रॉस बोर्ड हो और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए ना हो। एब्सोल्युटली मैं मानता हूँ। अब ये एक और आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो उन्होंने बनाया है वक्फ बोर्ड फॉर बोरा एंड आगा खानी कम्युनिटी, ये क्यों बनाया? अब सर देखिए, हमारे आज के भी एक्ट में ये है कि किसी स्टेट में अगर
तादाद कम है लेट अस से शियाओं की, तो सुन्नियों का ही बोर्ड उनका भी देख लेगा मामला, इसमें भी ये है। तो हर जगह तो बोहरास का नहीं होगा। मैं इसको पर्सनली वेलकम कर रहा हूँ। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ठीक है, अगर हमारे दो और सेक्शंस हैं बोहराज या आगा खानी, तो वो कर लें, लेकिन शिया बोर्ड सफिशेंट है उनके इंटरेस्ट को, बिकॉज बेसिकली वो शिया हैं। करेक्ट, शिया हैं उसमें। लेकिन इसमें ओबीसी का भी किया गया, हम कह रहे हैं एक तो ओबीसी का भी वेलकम है, मुझे, मैं पर्सनली वेलकम कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम वाकई ओबीसी के लिए बहुत ही दर्दमंद हैं, तो हम ओबीसी हिंदू बोर्ड में भी करें। और ओबीसी जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। Correct. वो सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी है, तो 26 में नहीं कवर हो रहा है वो। Correct. और तीसरी चीज ये कि ओबीसी जो मुस्लिम्स कुछ हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का भी स्टेटस दे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उस पर अमेंड हो। हम तो ओबीसी के साथ हैं, हम ओबीसी तो ऐसे 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 सुझाव दे रहे हो जो कोई मानने नहीं वाला। अब सर लॉ टीचर कर क्या सकता है, सुझाव दे सकता है, मानना ना मानना तो सरकार की, आपको मालूम है ना पार्लियामेंट की बात, उनका तो दृष्टिकोण कुछ अलग ही है। चलिए आपसे एक और सवाल पूछता हूँ आप तीनों से, कि अब ये कहते हैं कि द बिल स्टेट्स दैट एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल सीज टू बी सो, द कलेक्टर ऑफ द एरिया विल डिटरमिन ओनरशिप इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, इफ डीम्ड अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही विल अपडेट द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो वो फैसला ग्रैब हो गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहेगा गवर्नमेंट ओनरशिप और आपका बात। ये किस किस्म की, ये तो ओनरशिप के लॉ को अपसाइड डाउन कर दिया हमने। मतलब कि जो भगवान को दी गई, अल्लाह को दी गई प्रॉपर्टी, वो डिप्टी कलेक्टर कहेगा कि ये तो हमारी है। हाँ, तो शायद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैबिंग वाले उसके ऊपर जो है ना, ये माफ कीजिएगा जरा सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये भगवान से भी ऊपर उठ कर हैं, अल्लाह से भी उठ कर हैं। उसकी वजह यह ना कि उनके इनकी नज़र के अंदर तो कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। भगवान और अल्लाह की कहाँ वैल्यू है? जो वो बेईमान आदमी जो बैठा है उसकी वैल्यू है जो पूरे इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर देगा। That is what actually they want. मुल्क में अनार की फैलाना चाहते हैं। नहीं, पर देखिए जो साधन वक्फ के द्वारा मुस्लिम माइनॉरिटी को दिया गया कि आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल सकती हैं, आपके चैरिटेबल प्रोग्राम चल सकते हैं, आपके स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल सकते हैं, आपके कब्रिस्तान के वो चल सकते हैं, ओल्ड एज होम्स वृद्ध लोगों को फायदा हो सकता है। अगर ये आप सारी प्रॉपर्टी ले ही लोगे, सरकार तो कुछ पैसा नहीं देने वाली, सो यू आर मेकिंग जो गरीब आदमी है मुसलमान उसको और गरीब बनाने जा रहे हैं। नहीं, जो स्कीमें थी स्कॉलरशिप्स की माइनॉरिटीज के लिए वो बंद कर दी, बंद कर दी। और इधर से वक्फ बोर्ड को भी लैंड ग्रैब कर लो, आप जाओ क्या करेंगे? तो ये तो बड़े एक गंभीर, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। नहीं बिल्कुल सर, और जो रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं वो बड़े हाफ हार्टेड है। जैसे वक्फ अलल औलाद में अगर रियल कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म होता तो बड़े कम होते कि हमने एबॉलिश कर दिया साहब, कई कंट्रीज ने एबॉलिश कर दिया, या हम कहते हैं हम साहब दो जनरेशन तक रखेंगे कि एक ही फैमिली में प्रॉपर्टी ना रहे। एक तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में उसका जिक्र किया कि जब प्रिवी काउंसिल ने डिसीजन दिया कि साहब ये नहीं होना चाहिए, फिर 1913 में लॉ पास हुआ, वो वैलिडेटिंग हुआ। अब हमने जो बिल में प्रपोज किया है वो ये कि अगर कोई वक्फ अलल औलाद कर रहा है तो वो लड़कियों को एक्सक्लूड ना करे। यस, सही बात है। और किसी वारिस को एक्सक्लूड ना करे, किसी एयर को एक्सक्लूड ना करे। अब इसका मतलब ये है कि कोई अगर अपनी बेटी को एक रुपया भी दे दे तो इस लॉ से हिट नहीं हो रहा ना, एक्सक्लूजन तो है नहीं उसमें। सही बात है। तो इससे उतना फायदा नहीं होगा। दूसरे, क्या ये प्रिंसिपल हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पर लगा सकते हैं जहां हमने विल की एब्सोल्यूट पावर दे रखी है कि वो विल से अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे देता है, बेटी को नहीं मिलती है? तो या तो सिमिलर रेस्ट्रिक्शंस हम किसी की टेस्टामेंट्री पावर पर अक्रॉस बोर्ड हर लॉ हर कम्युनिटी में लगाएं और कहें कि ये देखो हमने वन नेशन वन लॉ का प्रिंसिपल इंप्लीमेंट कर दिया, वरना ये वर्क नहीं करेगा इवेंचुअली। या फिर हिम्मत करके हम कहें कि हम एबॉलिश कर रहे हैं वक्फ अलल औलाद, वो हो सकता है। नहीं, कई कंट्रीज ने किया है, करना है तो कर ले, तो वो भी तो नहीं किया ना, हमने हाफ हार्टेड है वो। देखिए फैजान भाई और आप सब लोग माशाल्लाह लीगल मिले, जैसे फैजान भाई ने बात कही है ना, ब्यूटी ऑफ इस्लामिक लॉ इज कि इफ आई वांट टू विल आई कैन नॉट विल एंटायर माय प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू माय विश। जो प्रॉपर्टी में जो मेरे राइट्स हैं औलाद के, बीवी के, बच्चों के और खानदान के, आई कैनॉट टेक इट।
आई कैन नॉट टेक इट अवे। वक्फ़ल औलाद के लिए भी ये है कि वक्फ़ल औलाद हो गया ना तो वो औलाद दर औलाद दर औलाद चलता रहेगा जब तक चैरिटी जब तक चैरिटी का रहेगा। करेक्ट। तो आप व्हाट डू यू वांट। मेरा इतना खूबसूरत मुल्क है कि जिसके अंदर हम लोग हर मजहब के मानने वालों ने, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, सोसाइटी के लिए अपनी अपनी पूरी पूरी जायदाद उन्होंने दे दी है। चाहे हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, किसने बनाई? गवर्नमेंट के पैसे बनी है? नहीं बनी है। यू आर राइट। किसने बनाया है? सर ये प्राइवेट लॉ का मामला है। कोई विल किसी ने 500 साल पहले की, हम पब्लिक लॉ से आज कैसे खत्म कर देंगे? वो भी विल अल्लाह को की यार। वो तो इम्पॉसिबल है। को ये किसी एक शख्स को नहीं। हाउ कैन हम आज उसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। मेरे ख्याल से अल्लाह को वो बनाया। अच्छा, दूसरे सर वक्फ से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अल्लाह तो रिस्पोंडेंट भी नहीं बन सकता। जी बन सकता है। हम तो चाह रहे थे बाबरी मस्जिद में बने, लेकिन लोगों ने सुना नहीं। वो बन सकता है वफ, अल्लाह ताला भी एक पार्टी हो सकता है। सर अक्सर ये है कि इनहेरिटेंस लॉ में जैसे किसी की लेट अस से डिवोर्स बेटी है, विडोड बेटी है, उसको इस्लामिक स्कीम ऑफ इनहेरिटेंस में तो ब्रदर से कम मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो अक्सर पेरेंट ये करते थे कि वक्फ करके उसको मुतवल्ली बना दिया। ओह, आई सी। ताकि वो अपना टेक केयर करे और भाई भी उस पर डिपेंडेंट रहे। तो ये तो हिंदू लॉ में नहीं होता था। नहीं, हिंदू लॉ में नहीं होता। तो वक्फ से कई बहुत यूजफुल पर्पसेस जो है जो सरकार तो कभी समझेगी नहीं और लोग हमेशा लोगों को गुमराह किया जाएगा और एक ऐसा मतलब माहौल बनाया जाएगा कि देखो ये तो मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी हड़प कर रहे हैं और कितने सदियों से हड़प करते आए हैं, ये इनका मकसद है। एक आखिरी बात आप कहते हैं, इस्लाम बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी की प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती आप इवन अल्लाह के नाम के लिए भी इस्तेमाल करें। Unless he gives you the consent. That's what I'm saying. इसलिए सर मैंने वेलकम किया। उसमें अब नया प्रोविजन ये है कि वाकिफ की अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये तो हमेशा से यही था। आपने लिख दिया तो चलिए वेलकम है। तो मतलब के फिर इसको लबालब यही हुआ कि ये बड़ा ही गंभीर मामला है। लोगों को समझ ही नहीं है कि वक्त है क्या और इसमें इतने सवाल उठेंगे, एक विवाद पैदा होगा और जैसे ही बाबरी मस्जिद का हुआ वैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। हाँ, और इस बीच चर्चा होगी और पोलराइजेशन ऑल होगा और इन लोगों को राजनीतिक फायदा। सर वहाँ तो एक मस्जिद थी, यहाँ तो हर मस्जिद का डिस्प्यूट होगा। दूसरे सर वक्फ तो नॉन मुस्लिम्स के लिए भी होता है। प्रॉफिट की एक वाइफ ने वक्फ किया अपने ज्यू ब्रदर के लिए। तो ये नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए लिमिटेड नहीं, बट इट इज चैरिटी ना, तो चैरिटी कोई भी कर सकता है, कोई किसी के लिए कर सकता है, किसी के लिए कर सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो चलो अच्छा है कि आप लोग आए, इस पर चर्चा हुई और बड़ी गंभीर और बारीकी से चर्चा हुई ताकि जनता को ये मालूम हो कि असलियत क्या है, पॉलिटिक्स इसका इसके पीछे क्या है और फायदा किसको होने वाला है। और विवाद पैदा करोगे तो देश आगे बढ़ेगा नहीं। बहुत बहुत मेरे ख्याल से शायद पर्पस भी यही है। तभी तो कह रहा हूँ ना, जिम का यही है बस और कुछ नहीं। मैं यही कि आइडिया है कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम से हम कोशिश करते हैं कि जनता के बीच जाकर पता चले जनता को कि इस मुद्दे के पीछे असलियत क्या है। और असलियत ये निकलती है कि दो चार चेहरे हमें दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।